तो दोस्तों मैं दोनों हाथ से खेल लेता हूँ कभी कभार, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी। मैंने प्रैक्टिस ही ऐसे करी हुई है। दोस्तों आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, तो आज हम खुद को बूस्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है आजकल की लाइफ कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई है। हर इंसान अपनी जॉब या बिजनेस या स्टूडेंट लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि खुद को टाइम तक नहीं दे पाता। जैसा कि फ़ोन एंड इस इंटरनेट वाली दुनिया में लोग अपना ज़्यादातर समय इन्हीं के साथ बिताते हैं, जिसकी वजह से हम सबकी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है और सबके सब बहुत ज़्यादा लेजी सा फील करते हैं और साथ ही साथ चिड़चिड़े या फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल लिया जाए। दोस्तों फाइनली मैं बैडमिंटन खेलने आया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक पते की बात बताऊँगा, उसके लिए आपको पार्क लेके चलता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम पार्क की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल पार्क थोड़ा सा दूर है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और फिलहाल अभी मैं आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट और पते की बात। हर रोज़ जैसा कि अभी आपको पता है कि कोविड सिचुएशन चल रही है और लोग बहुत ही कम बाहर निकल रहे हैं, ऐसा आपको पता है और ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये इंडिया है बॉस। यहाँ पे ज़िद्दी लोगों को कोई नहीं रोक सकता। तो अभी मैं आपको जो पार्क का नज़ारा दिखाऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि पार्क में कितना क्राउड है अभी। इसको थोड़ा उतार लिया जाएगा कि पार्क में अगर मास्क लगाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है बैडमिंटन खेलने का, सही बात है। मैं तो जब भी पार्क में आता हूँ तो ग्रास में नंगे पैर ही खेलता हूँ, क्योंकि नंगे पैर खेलना बहुत अच्छा लगता है और एनर्जेटिक भी रहता है लैक्स के लिए। विंटर में तो और ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। मैंने मैच कंप्लीट कर लिया है और बहुत सारा मैच खेला, जीता हारा सब कुछ चलती रहती है, हार जीत तो लगी रहती है सभी। अब मेरे को जो मेन बात बतानी थी वो ध्यान से सुनना, अगर आप कभी भी जॉब करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको एक्सरसाइज या कोई भी बाहर की एक्टिविटी के लिए टाइम निकाल लेना चाहिए। उससे आपका स्टेमिना भी बढ़ता है और साइड बाय साइड आपका माइंड रिलैक्स भी होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं और अपने रूटीन में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सो आपको वो नहीं करना है बिल्कुल भी, समझें। सो दोस्तों आप खुद को 30 मिनट देंगे एक्सरसाइज या आउटडोर एक्टिविटी के लिए तो आप कभी भी फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करेंगे, आपका माइंड थॉट और सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश रहेगी और आप हैप्पी सा फील करेंगे। सो दोस्तों इसके साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। आप बताइएगा आपको इस वीडियो को कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।